जी मैं लाइव आ लोग लाइव आए हेलो दरवाजा बंद करो हेलो जी आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आए। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज फिर से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। आप लोग देखे कि आज लाइट प्रॉब्लम सही है या नहीं, आज रोटेशन ऑन है। अब देखिए बताएं कि लाइट प्रॉब्लम है या नहीं। हैकिंग गेमर हाय, जी आप लोग यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो शॉप नहीं दिख रहा है सचिन जी, आज तो मैं वीडियो को बहुत साफ किया हूं, लाइट प्रॉब्लम भी खत्म किया हूं। प्रियदर्शी ठीक है, इसमें मिले मेरे साले साहब भी जुड़ गए हैं। ठीक है मेरा वीडियो शॉप नहीं दिख रहा है, अब तो यहां तो मेरे हिसाब से वहां पर लाइट कर दीजिए, तो अब शॉप दिख रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करें जी। तो मैं स्टार्ट करूं, जी आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है तो बताइए, मैं शुरू कर रहा हूं जी। मैं पढ़ाया था आप लोगों को, मैं फिर से साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं फिर से चालू कर रहा हूं, आप लोग जुड़े शेयर करें। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी। मैं कल स्टार्ट किया था, कुछ आवाज प्रॉब्लम थी तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साफ दिख रहा हूं। इसको हिंदी में कहते हैं ऑर्गेनिक, कि कार्बनिक जिसके अंतर्गत का अध्ययन किया। आप लोगों को सीधा दिखाई दे रही है तो हाइड्रोकार्बन का कार्बन कहते हैं। कोई एक हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, यौगिक है, इसीलिए ये और इसके व्युत्पन्न होना जो
मीथेन है तो इससे वो कहलाएगा को हम और ये डाला था जिसमें तीनों में बताया एक देखते मात्र मान लीजिए कि केमिस्ट्री की भाषा क्या हो मुन्ना कुशवाहा तो यहां ध्यान दे और उसके केमिस्ट्री तो यहां ध्यान दे यह एक कार्बन हम आज बता देता हूं दो कार्बन है इसको प्रोप कहते हैं पांच वाले होते सात वाला होता है नौ वाला होता है नौ चीज याद रखना है इस नहीं कर रहा है जी सर रजनीश थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है वो तो मैनेज करना ही होगा अब हम देखते हैं फिर आगे वाईफाई ले लेंगे तो इससे भी बेहतर नेट देंगे आप लोगों को तो ये देखिए और इसके प्रीफिक्स और सफिक्स जानिए वाक्य के प्रारंभ में लग अंत में लगती है उसको कहा जाता है प्रीफिक्स जिसको हिंदी में कहा जाता है परतय और सफिक्स किसी भी वाक्य के पहले लगता है उसको उपसर्ग तो यहां ध्यान देंगे कि यदि यदि कुल कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या H की संख्या हो दो अधिक हो तो प्रीफिक्स के रूप में जोड़ेंगे ए अंत में जोड़ेंगे ANE ये फर्स्ट ट्रिक है नेक्स्ट ट्रिक है दूसरा रूल है कि यदि कुल कार्बन की संख्या से H की संख्या तो अंत में जोड़ेंगे अंत में ENE जोड़ देंगे देखिए तीसरा कि संख्या से दुगना से तो YNE जोड़ देंगे बस और इसी पर जो है सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या कॉपी कलम लेकर के चलिए तो हम आगे बताते हैं कि इसका याद रखना है आप लोगों को कि कार्बन की संख्या कितनी शुरू होगा और उसके बाद ये देखिए जो है सो क्या कर देना है उसका नाम कर देना है बस मैं तुरंत बता रहा हूं
चलिए देखिए, एक कंपाउंड दे रहा हूं 3H8 C3H8। आप लोग देख सकते हैं 4H10 का यूज करके। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें कार्बन, इसमें कार्बन हो, नाम कौन सी से स्टार्ट होगा? तो 3 का होगा तो प्रो, और इसमें लगा देंगे ए एन ई, बताएंगे ए क्या क्या होगा जल्दी कहां से? उसमें क्वालिटी नहीं बढ़ती। After start pro, yeah, इसका नाम पेंट, दुगुना का हाइड्रोजन है। दुगुना में ई एन ई लगता है। उसके बाद देखिए इसमें जो है सो ब्यूट, दुगुना है हाइड्रोजन, तीन वाला क्या होता है प्रोप, तीन दूनी छ और दो आठ, दुगुना है तो ये नहीं लगेगा। अब देखिए 4 वाला क्या होता है ब्यूट, 4 दूनी तो दुगुना से 2 अधिक रहता है तो ब्यूटेन। कमेंट करके बताएंगे इसका ए एक एच डी स्टार्ट होता है ब्यू, हाइड्रोजन की संख्या गिनती
जब दुगुना से तो हुआ उसमें संख्या तीन है, छ छ में से दो कम आइए नहीं, इसका नाम होगा दुगुने से दो कम है तीन वाले क्या होता है प्रो देखेंगे ये आवाज आपके यहां पहुंचे माइक में कोई प्रॉब्लम हो वीक है जिसको मैं सुधारने की बहुत चलिए तो ट्रिक बता रहा हूं कंपाउंड को पहचान जाएंगे सिंगल एकल बंधन इसको तो अंत में जो है ई जोड़ेंगे हेलो डा अंत में जो है ई जोड़े शाखा हो तो नाम के पहले पहले आईशो जोड़ देंगे आईशो का ट्रिक है पहले नी हो चलिए ये आप लिख सकते हैं या इसका प्रयोग कैसे करेंगे अपने पास चलिए इसका प्रयोग कैसे होगा वो मैं बता
CH2 चेन में इसका नाम आप लोगों को CH3 CH डबल नाम कमेंट करके बताएं। गुप्ता सर कैसे होगा सीधे आपके घर तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो प्रॉब्लम करना ही पड़ेगा और होता ही है। आइडिया भी नहीं है, आइडिया इधर उधर से लेना पड़ता है। इसमें आप लोगों को भी चलिए आदित्य बताइए, ए का पूरा नाम बताइए। चार कंपाउंड बता रहे हैं। मिनट का टाइम है, जल्दी जाएंगे। आर आर सभी लोग पांच पांच है, पांच पांच वाला क्या पेंट सिंगल बाउंड हो जी नहीं ब्यूटेन क्या होगा सही मेंटेन सही है। नाम हो गया पेंटिंग है ड्रीम सही है नियो इसका नाम लगाने नहीं इसका नियो तीन चार क्या लगेगा वाई तीन चार चार वाला क्या हुआ लेकिन जोड़ देंगे सतीश भी क्या ये मोनो क्या है इसमें बोर्ड पर दो तीन चार पांच इसमें कार्बन की ए नहीं लगा नियो ब्यूट ये पेंटेन हुआ इसमें दो का नाम हो में जाएंगे से देखिए हैं और देते हैं।
बताइए ना, हो जल्दी जल्दी बताइए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम है नेटवर्क आपके घर बिना लाइट के। चलिए आप लोग कमेंट करें, संतोष इसका नाम पे प्रणाम सर, पेंटी। चलिए ए बी सी टाइल पेंटर पेंटाइन पेंटीन किसका नाम अब तो इतना लाइक बी का नाम पेंटाइन है जी, सही है। जी मैं कार्बन की संख्या गिनती कीजिए, कार्बन कार्बन है टी, बस सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, समझे। नियो नियो बताइए, कमेंट करके बताइए। देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड में इलेक्ट पेंटीन हो गया, एक नियोहेक्सेन सतीश सही है। चार पांच, पांच वाले होता है ट्रिपल बॉन्ड, पांच पांच कार्बन है तो पेंट होगा ही, ट्रिपल बॉन्ड है तो ए इसमें एक शाखा है, जब एक शाखा रहे आइसो लगा देते हैं। चलिए आगे देखिए डी का नाम, इसमें पांच छ छ वाला क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड से सब, इसमें दो ब्रांच है इसीलिए इसमें नियो लाइट।
चलिए मैं अब आप लोगों को आगे की ओर बता रहा हूं। क्रियाशील मूलक वो पढ़ाऊंगा, स्केलेटन स्ट्रक्चर मैं स्केलेटन पूछे जाते हैं। आवाज जा रही देख तो आप लोगों का क्लास 8 बजे से कर दूंगा। क्लास सही रहेगी 8 बजे से होगी है। चलिए आज कंकाली संरचना इसको कहा जाता है कंकाली में बस और कुछ नहीं है की याद करने तो आप लोग लाइव थोड़ा सा नेट कर नेट प्रॉब्लम दूंगा। हाँ छोर और जोर बस छोर को देख के हाथ में हो गई छोर का मतलब होता है का मतलब क्या होता है अंतिम डीम जरा कमेंट करके नेट विक रहा तो 8 बजे मैं लाइव आऊंगा देखूंगा कि 8 बजे नेट सतीश ड्रीम चेंजर इसका मतलब होता है CH3 कोई भी छोर है उतना CH गौर से देखेंगे एक लकीर में खींच तो को कमेंट करके बताना है आप लोग हेल्प कर जी ड्रीम चेंजर आप लोग को आवाज जा रही है इसमें कितने छोर हैं कमेंट करके बताएं। हैकिंग गेमर हाय जी हाय बोलिए इसमें कितने ये दिखाई टू सतीश तो इसमें दो मतलब लास्ट होता है ए और इधर से हुआ दूसरा छोर एक छोर CH3 अब इसका नाम हम लोग तो इसमें देखिए इसका नाम क्या होगा तो 2CH3 तो कौन सी से स्टार्ट होता है ना अकाउंट से जुड़ा हुआ है
अंत में क्या लगाएंगे? इसका नाम हो गया इथेन। इसका नाम क्या हो गया? इथेन हो गया। चलिए दूसरा ट्रिक है, ये ट्रिक गुप्ता इथेन जी, धन जी, थैंक यू सतीश। इथेन ड्रीम चेंजर दू, सही है। तो होता सी एच लिखते हैं, इसमें छोर और जोर बता, इसमें कितने छोर हैं जी नितिन, उसमें बताइए कि इसमें कितने, एक जो करके बताएं आप लोग इसमें कितने नहीं होगा। इथेन ऊपर वाले का नाम होगा। कीजिए देखिए गौर से, यहां पर छोर सी, इसके तीन पॉइंट जी गलत है। इथ जोर, ये क्या शाही से सुन ही नहीं रहे हैं मंतोष गुप्ता। छोर नहीं है इसमें, छोर दो ही हैं, इसमें छोर दो ही हैं। गौर से देखिए, ए और सी को छोर कहते हैं। छोर का मतलब लास्ट पॉइंट होता है, छोर है ना जी। इधर से आया एक लकीर, इधर सतीश जी धन्यवाद। सतीश है इसका मतलब सी एच थ्री एच टू, और ये छोर है इसका मतलब सी एच थ्री। दर्शी जी गलत है, तीन छोर नहीं है इसमें, दो है। तो बी का मतलब यहां पर सी एच टू टू होगा। इसका नाम बताना है आप लोगों को, तो इसमें कार्बन कितना है? एक दो तीन। गौर से देखेंगे, पेन जी ड्रीम चेंज, ये तीन वाले हो, क्या होता है? प्रोब, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ए नहीं। इसका नाम प्रोपेन होगा जी। आशुतोष प्रियदर्श ड्रीम चेंजर सही है। चलिए हम तीसरा ट्रिक लगे रहे, देखिए तीसरा है। तीन तीन लकीर का जोर, तीन लकीर का जोर का मतलब होता सी एच होता है। तीन लकीर जहां पर हैं, तीन लकीर का जोर का मतलब सी, आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीन लकीर यहां पर जोड़ा हुआ है, तीन लकीर है। स्क्रीन पर एक रेखा दिख रही होगी, तीन छोर लास्ट पॉइंट है। ड्रीम चेंजर थैंक यू जी, बताइए इसमें कितने छोर हैं, जोर कितने हैं? जी देखिए, इसमें ए बी
लास्ट पॉइंट है जी ड्रीम चेंज एक जोर तीन छोर आशुतोष प्रियदर्शी जी धन्यवाद। यहां देखिए जोड़ है तो यहां पर देखिए ए सी एच थ्री इसका मतलब सी एच तीन लकीर का जोड़ यहां पर आ गया तो ये डी का पॉइंट जी। दिव्यांशु मस्ती हाय हाय सर जी हाय। अब देखिए इसका मतलब सी एच थ्री और सी का मतलब भी सी एच थ्री। अब इसका नाम बताना है इसका नाम बताना है आप लोग को सतीश एक इसका नाम बताइए कमेंट करिए जल्दी इसका नाम बताइए जल्दी। ड्रीम चेंजर थ्री चोर है इसका नाम बताए आइसोब्यूटेन जी गुड्डू कुमार जी धन्यवाद। ध्यान अब देखिए इसमें एक साथ लगा देंगे अर्थात ये हेक्स व्हाट इज हेक्स आइसोब्यूटेन होता है चार सी होता है जा यूपीए आगे देखिए चलिए अभी देखिए छोर का मतलब सी एच थ्री होता है टू होता है का जोर का मतलब सी होता है। अब और कितने हैं और कितने हैं जी जी नेटवर्क सतीश नाम बताइए ए बी सी पॉइंट मिल गया है बिंदु ई जी धन्यवाद। इसका नाम बताइए किसका मतलब सी एस थ्री और ई का मतलब सी बी पॉइंट का मतलब सी एस थ्री पेंटेड जी धन्यवाद। नाम बताइए नियो पेंटेन सतीश जी धन्यवाद। सही कीजिए कार्बन की संख्या कितना है आपका एक है पेंटेन तो होगा ही लेकिन एक इसमें दो
के पहले नियो लग जाता है आपको। चलिए आगे मैं बता रहा हूं, दो चार टॉपिक दे रहा हूं। आप लोगों की कृपा और मेहरबान। पर बोर्ड पर इसका नाम बताना है आप। दो कंपाउंड दिया हूं, नियो पेंटेन जी 5। सुपर है सर जी, धन्यवाद। गुड्डू कुमार वीडियो का क्वालिटी सर जी, ब्यूटेन आसू करेंगे। सतीश ब्यूटेन नहीं है जी, इसे पेन स्पेलिंग सही लिखेंगे। CH2 कार्बन की संख्या 4। ड्रीम चेंजर ब्यूटेन बिल्कुल, इसका नाम इसमें छोर 3 को एक और देंगे तो क्या होगा, CH3 गुप्ता ब्यूटेन 1 2 3 4 5। 5 वाला एक शायद आईसो के साथ आप लोगों को ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। थोड़ा अगर कि नेटवर्क सही रहेगा तो कल एक नए। धन्यवाद, गुड नाइट।